खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब आर्थिक राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। आज मुंबई के आजाद मैदान में मुंबई कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के विरोध में मंदी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सभा ली। एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य के विकास का झांसा देकर अपने निजी स्वार्थ की प्रति कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के साथ हुई युति के चलते अपनी ही पार्टी से नाराजगी जताई। हो गया अरे ये काय को मेरे को जानते जहाँ देश का विचार करेंगे तो जीडीपी 5 तक का आया है। देश के आज तक के इस उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें सबसे नीचे जीडीपी आया है। मंदी का लौर चल रहा है और मंदी का इस हाल में कुछ रास्ता निकालने के तैयार नहीं। खुद मनमोहन सिंह ने बोला कि हम लोग आपको सहयोग करने को तैयार है, इसमें रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन किसी का संघर्ष है, किसी का मदद भी नहीं लेते। और अभी उससे वजह से क्या हो रहा है, अभी डीजल का भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ रहे हैं, अभी 24 पैसा 25 पैसा बढ़ रहे हैं, लेकिन कल जो 4-5 रुपया बढ़ जाएंगे, उससे हर जीवन आवश्यक वस्तु बहुत महंगा हो गया। एक बाजू बारिश की मार है, दूसरे बाजू वह कम है और इसमें बाजार भाव बढ़ते हैं, सामान्य महिला को, सामान्य घर को घर चलाना मुश्किल हो गया। महंगाई की तरफ कुछ गवर्नमेंट का कोई रास्ता नहीं, फडणवीस महंगाई की तरफ देखता नहीं, वो तो इलेक्शन में मशगूल है, उनको इलेक्शन चाहिए इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा के ऊपर है, लेकिन गरीब यहाँ अन्न खाने को मोहताज हो रहा है, उसी गरीब के साथ हम लोग हैं और कांग्रेस ही गरीब के साथ रहेगी और महंगाई कम कर देगा, नहीं तभी तो कांग्रेस के साथ। बैगन और करेला का माला पहन करके आप विरोध कर रहे हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता है कि गरीब का जो खाने का चीजें है वो भी ये पेट्रोल डीजल से और ये मंडी की वजह से महंगा हो रही है। गरीब को बैंगन खाना भी मुश्किल हो गया, सब्जी खाना ही मुश्किल हो गया, गरीब को जीना मुश्किल कर दिया। ये फडणवीस गवर्नमेंट खाली बातें करते, मुख्यमंत्री घोषणा करते, लेकिन मुख्यमंत्री का ख्याल जो है खाली इलेक्शन के ऊपर है। बीजेपी शिवसेना खाली इलेक्शन का बात करना चाहते हैं, वो गरीब के साथ कोई गरीब राह देने का कोई बात नहीं करते। इलेक्शन नजदीक आया है तो भी इनका जो ख्याल है वो इलेक्शन के सिवाय कुछ नहीं है, गरीब के लिए राह देना चाहते हैं। गरीब महंगाई के झूल रहा है, उसी गरीब के साथ कांग्रेस पार्टी है। और मुझे लगता है मुंबई का जो बेहाल हो गया बारिश में, रास्ते का खराब हो गया, नाला बंद हो गया, ये सब देख के और महंगाई देख के मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र मुंबई में
गरीब कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस एनसीपी के साथ रहेगा, ये मेरा मुझे जो आपका गठबंधन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता खुश नहीं है शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा के। कार्यकर्ता का जो कहना है, कार्यकर्ता जो कहना है वो ठीक है, लेकिन उसमें रास्ता निकालेगा हम, वो कोशिश कर रहे हैं। सर थोडक्यात मराठी समाज तुम्ही मराठी मध्ये सांगायचं म्हणजे जे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यांचा कार्यक्रम हा